हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सभी स्वस्थ हों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलिफेंट का फेस कैसे बनाएं और उसकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इस तरह से बनाए जाएंगे। आप मेरी पिछली वीडियो में आप सर्च कीजिएगा, उसमें मैंने कर्टन होल्डर के बॉडी पार्ट्स बताए हैं, सेम उसी तरह से ये पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ दो बॉल्स आपको इस तरह से बनानी हैं सेम, तो वो आप मेरे कर्टन होल्डर में मेरे वीडियो को सर्च कीजिए और उस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो दो बॉडी पार्ट्स मैंने यहाँ बना लिए हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे वीडियोस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप सब तक पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एलिफेंट का फेस कैसे बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बॉल्स ले रही हूँ, इसका फेस यहाँ हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका कान बनाते हैं। तो कान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर की ऊन ली है। आपको जिस तरह के कान पसंद हैं आप वैसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप वाइट लगा सकते हैं या फिर किसी और कलर के भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। हमें यहाँ पर 10 चेन बनानी है, तो हम यहाँ पर 10 चेन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ हमने 10 चेन बना ली हैं। तो देखिए 1, 2, 3 जो थर्ड चेन है हम उसमें से डबल क्रोशिया निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया निकालिएगा। मैंने फर्स्ट लाइन मैंने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है, आप डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेकंड चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, ये फर्स्ट लाइन हमें सारी हाफ डबल क्रोशिया से ही बनानी है। चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। देखिए लास्ट में हमने आ गए यहाँ पर। तो अब हमें 1 चेन 2 चेन लेना है, उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे, उसके बाद डबल क्रोशिया, उसी में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए फिर सेकंड चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और बाकी सारी चेन में से भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है। तो सभी में से हम डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं इस तरह से, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ये लास्ट में हम आ गए हैं, तो हम फिर से डबल चेन लेंगे और इसको पलट लेंगे। देखिए उसके बाद हम इसमें से ही सिंगल लेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद अगली चेन में से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर उसके बाद वाली में से 1 बार डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में से डबल क्रोशिया 2 बार निकालना है, यानी कि एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल डबल क्रोशिया, एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल डबल क्रोशिया, इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मैं ये लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में हम यहाँ पर फिर से चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब ये हमारा थर्ड राउंड है। इसको हम
हाफ डबल क्रोशिया लेंगे सिंगल सिंगल सभी चेन में से एक बार। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया इसमें से निकालेंगे। हर एक चेन में से हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो मैं लास्ट तक इसको करके दिखाती हूँ आपको। लास्ट में हम फिर से तीन चेन लेंगे और इसको पलट लेंगे। ये हमारा सीधी साइड आ गई। अब हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे फर्स्ट में। ये देखिए फर्स्ट में हम डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद वाले में भी हम डबल क्रोशिया लेंगे। एक दो तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच, छः, सात। उसके बाद हम यहाँ पर एक में से दो बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये दो। फिर हम इससे अगली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया और ये दो बार डबल क्रोशिया, एक चेन में से दो बार। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। उसके बाद लास्ट हमको सिंगल क्रोशिया लेना है ऐसे। उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर डबल क्रोशिया, एक में से दो बार डबल क्रोशिया, एक में से दो बार डबल क्रोशिया। उसके बाद आपको सिंगल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया लेते जाना है हर चेन में से एक बार। इस तरह से ये हमारा पार्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, तो हमारा कान इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो सारा हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं लास्ट तक। यहाँ पर इसको लास्ट में लाके स्लिप स्टिच से आप इसे बंद कर दीजिए। इस तरह से, इस तरह से आपको दो कान बना लेने हैं। मैंने यहाँ पहले से रेडी की हुई है एक कान, तो इस तरह से हमारे कान रेडी हो जाएंगे। और जो लास्ट में हमारा ये धागा निकल जाता है, इसको हम क्रोशिया से पीछे की साइड से इस तरह से हम इसको नीचे ले जाएंगे। ये हमारा कान के पीछे का हिस्से की तरफ आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको पीछे कर देंगे। तो आइए अब हम इसकी नोज बनाते हैं, सूंड बनाते हैं हम हाथी की। तो ये हमारे पीसेस रेडी हो गए हैं। तो सूंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल में 6 क्रोशिया लेने हैं। एक दो तीन हाफ क्रोशिया, चार, पांच और 6। धागा खींचकर और जो फर्स्ट चेन है उसमें से हम ये क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट जो चेन है उसमें से हम हाफ डबल क्रोशिया दो बार निकालेंगे।
सभी चेन में से क्रोशिया हमें दो बार निकालना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें हम लास्ट में, अब जो नेक्स्ट है हमारी लाइन शुरू हो रही है, वहाँ एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और दूसरा वाला हमें एक में से दो बार है डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया हमें दो बार निकालना है। ये हाफ क्रोशिया ही सिंगल हाफ क्रोशिया और डबल हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया और डबल हाफ क्रोशिया, एक में से दो बार ये पूरा करना है। यहाँ हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमें कहीं पर भी क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, ये हमें सिंगल सिंगल लाइन ही बनाते जाना है इस तरह से। जिस तरह से हम हैंड्स बनाते हैं कर्टन होल्डर में, उस तरह से ही हमें ये सिंगल सिंगल पार्ट सीधा कर लें ऐसे। इस तरह से हमें वो लगभग एक फिंगर जितना लंबा आप सूंड बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी उसकी सूंड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी सूंड बना लेती हूँ। तो मैंने इतना लगभग इतना पार्ट मैंने इसका बना लिया है, जो कि मेरी एक फिंगर के बराबर है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन बनाना है और इसको वापस पलट देना है इस तरह से, और एक हाफ क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, ये लगभग इतना हमें पार्ट हमें बना लेना है। उसके बाद हम इसको एक चेन लेंगे और वापस मोड़ लेंगे। फिर इसके जो हमने ये पार्ट लिया है, इसके नेक्स्ट वाले में, इसको छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम चेन लेंगे, इसको लास्ट तक बनाएंगे। इस तरह से फिर से हम इसको एक बार टर्न करेंगे और एक चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में हम उसको क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। इन सभी को बना लेंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे, इसको छोड़कर नेक्स्ट वाले में से इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे लाइन को। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसमें धागा हम थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे, जिससे हम इसमें से इसी धागे से हम इसको जॉइंट कर सकें। इसी धागे से हम इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कॉटन फिल कर लेते हैं। देखिए, हम इसमें थोड़ी सी कॉटन फिल कर लेंगे तो मैं इन कानों को जॉइंट करना आपको बताती हूँ कैसे जॉइंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने धागा डाल लिया है सुई में, उनको सुई में निकाल कर अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सिलने के लिए हम इस कान को इस तरह से रखेंगे सीधा इस तरह से, और वही नॉर्मल तरीके से इसको सिलना है। देखिए, इस तरीके से एक हिस्सा हम वाइट में से निकालेंगे और एक रेड में से, इस तरह से आपको इसको सिलते जाना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक सिल के बताती हूँ। तो ये हमारा एक ईयर हमारा जॉइंट हो गया है, इसको पीछे की साइड निकालेंगे
और यहाँ पर लाकर इसको इस तरह से हम बंद कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये धागा हमारा नजर ना आए, इसलिए इस धागे को अंदर से ही निकाल कर ऐसे, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करने से पहले ही हम इसी धागे से इसको यहाँ से इस वाले ईयर को भी सिल सकते हैं। तो हम इस वाले ईयर को सिलने के लिए धागा निकालेंगे। कहाँ पर हमारा ये धागा निकला हुआ है, हमें उसी जगह पर इसको निकालना है। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रो है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सिक्स रो में है हमारे में। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको दबा कर इस तरह से हम इसको धागे को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा कान भी इसी तरह से हम ज्वाइंट कर लें, इस तरह से आप ज्वाइंट कर लिए। मैं ज्वाइंट करके बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है हमने, बैक साइड से सुई निकाल कर धागे को कट कर लिया है इस तरह से। अब हमें ये नोज़ यहाँ पर ज्वाइंट करनी है। ये देखिए ये हमारे कान तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से नोज़ ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर आईज ज्वाइंट करेंगे। मैं ज्वाइंट करके बताती हूँ, अभी सिलना भी बताऊंगी आपको। देखिए लगभग यहाँ पर मुझे नोज़ ज्वाइंट करनी है, तो स्टार्टिंग मैं यहाँ से करूँगी इस तरह से। ज्वाइंट आपको उसी तरह से करना जैसे आपने कानों को किया था, एक बार ऊपर और एक भाग नीचे में से निकालना है धागे को। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से आपको सिल लेना है। नोज़ को स्ट्रेट ही रखना है, हाथ यहाँ पर आप दबा कर रखिए जिससे कि ये नोज़ अपनी जगह से हिले ना। तो ये वाला हिस्सा हमारा जैसे है, हम वैसे ही इसको चारों तरफ से हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब हम इसमें एक सिंगल नॉट लगाकर ऐसे और इसको खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे और इसको अंदर ही नीचे की साइड निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए एकदम क्लियर है, इस तरह से निकाल कर थोड़ा सा धागा टाइट खींच कर उसको वहाँ से काट दीजिए। जब आप इसको टाइट खींच कर काटेंगे तो यहाँ से ये नज़र भी नहीं आएगा। तो ये हमारा एलिफेंट का फेस रेडी हो गया है। अब हम इसमें आईज ज्वाइंट करें। तो आईज लगाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे मोती यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर के, हर जगह मिल जाते हैं। तो आप ये वाले मोती यूज़ कीजिए या फिर अब इसमें आप रेडीमेड आईज भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं इनकी आईज। तो आपको कहाँ सेट करना है आईज वो आप पहले से देख लीजिए, मैं इनको यहाँ सेट करूँगी। तो हम जब आईज लगाते हैं तो ब्लैक कलर की आईज है तो ब्लैक ही धागा यूज़ करेंगे। तो मैंने ब्लैक ही यहाँ पर धागा यूज़ किया है और इसको हम कान के पीछे की साइड से इस धागे को निकालेंगे ताकि ये धागा हमारा नज़र ना आए। ये देखिए इधर हम लगाएंगे अपनी आईज इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको दबाकर टाइट कर देंगे, इस तरह से हमारी यहाँ पर ये आईज लग जाएंगी। आप दोनों आईज को ऐसे ही लगा दीजिए इस तरह से, दो तीन बार आप नॉट लगाएंगे इसमें। अगर आप बेबी एलिफेंट बनाना चाह रहे हैं तो मैं इसको बेबी एलिफेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप बेबी एलिफेंट बनाने के लिए इसकी आईज में आप इस तरह से पलके लगा दीजिए, इससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, सुंदर इस तरह से ऐसे एक नोट इतनी दूरी से आप इसको लगाइए जिससे ये पलके नजर आए इस तरह से। और देखिए अब यहाँ पर मैं थर्ड बनाऊंगी, थर्ड
थोड़ी सी दूरी से बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है आइज। फर्स्ट आई हमने ऐसे बना ली है। अब हम यहाँ से वापस धागा ले जाएंगे दूसरी साइड में। दूसरी साइड हमारी जहाँ है सेम वही साइड हमको ये निकालना है धागा इस तरह से। अब इसी तरह से आप दूसरी आईज को भी बना दीजिए। मैं पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने आई बना ली है। इसको हम बना लगाने के बाद दूसरे कान के पीछे की साइड से धागे को हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी आईज बनी है। और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक नॉट लगाकर उसी तरह से अंदर की साइड से धागा निकालेंगे थोड़ा सा खींच कर इसको काट देंगे। तो इस तरह से हमारा एलिफेंट का फेस प्यारा सा रेडी हो जाता है। यह है क्यूट बेबी एलिफेंट।